गाइस, तो इस वीडियो में आप देखने वाले फॉर्मेक्स डिटेल ऐप कैसे यूज करना है, ऐप के अंदर क्या क्या ऑप्शन है पूरा दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। एंड स्टार्ट करने से पहले एमडी टॉकी चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं एमडी टॉकी चैनल। फॉर्मेक्स पे रिटेलर ऐप्स ओपन कीजिए। वेस्ट टाइप का सरफेस दिखेगा होम, रेड टॉप में थ्री डैश है, थ्री डैश पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टॉप में आपका नाम आईडी वगैरह आपका आएगा। होम में जो भी आपको दिखा रहा था अभी, होम रिसेट ट्रांजेक्शन पिन चेंज पासवर्ड कमीशन चार्ट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, किसमें क्या कमीशन मिल रहा है वो रेड कॉर्नर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। रेटर्स शेयर लॉकआउट का ऑप्शन इसमें दिख जाएगा आपको। इसके अलावा आपका नाम दिखेगा उसके नीचे, यहाँ नोटिफिकेशन का बेल आइकन, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ पे आपको शो कर देगा। इसके बाद वॉलेट है, मनी ऐड करना है, यूपीआई के थ्रू ऐड करना है, सेटलमेंट करना है वॉलेट से, ये सारा ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। इसके अलावा रिचार्ज यूटिलिटी पेमेंट कर सकते हैं आप, मोबाइल रिचार्ज डीटीएच रिचार्ज बिल टैक्स कमीशन है, कस्टमर सेटलमेंट कर सकते हो, कस्टमर का KYC कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी सेटलमेंट बैलेंस इंक्वायरी माइक्रो ATM NSW2 MW2 ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं पेन कार्ड कस्टमर का। अब तो आप अप्लाई करने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा पेन कार्ड के लिए। यूनिक फीचर्स दे देगा हाउ टू ओपन NSDL पेन ब्रांच टू एक्टिवेट करने KYC पेन सर्विस। तो इसके लिए फर्स्ट टाइम आपको 500 पे करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोगों का पेन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, 107 दिन लगता है, आप 250 भी ले सकते हैं 250 कस्टमर से। UTI का बिल पेमेंट इंश्योरेंस देखो, ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा होम में। इसके बाद आएगा आपका प्रोफाइल, प्रोफाइल पे आपका इस टाइप का नाम दिख जाएगा, प्रोफाइल का स्टेज वगैरह देख सकते हैं, ऐड मनी ट्रांजेक्शन मनी स्क्रीन लॉक को आपको फिंगरप्रिंट करना है, लॉक करना है, पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ भी ऑप्शन मिल जाएगा। रिसेट ट्रांजेक्शन पिन का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा। अबाउट फॉर्मेक्स पे जानना है, क्लिक करके देख सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह लॉक आउट यहाँ भी मिल जाएगा। इसके बाद आएगा स्ट्रीम, स्ट्रीम है मेन वॉलेट, सेटलमेंट वॉलेट, रिचार्ज वॉलेट, बिल पेमेंट, AFC मनी ट्रांसफर सारा इसमें दिख जाएगा। उसके बगल में आपका आएगा हेल्प का ऑप्शन, हेल्प में क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मिल जाएगा। मैंने ब्लर करके रखा है यूट्यूब का पॉलिसी के खिलाफ, इसलिए लाइव चैट करना है, क्रेडिट सपोर्ट टिकट सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। हिस्ट्री में एक और डैश आएगा नीचे में, ये देखिए हिस्ट्री में क्लिक करके डैश डेट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो हिस्ट्री। तो ये था सारा ओवरऑल। फिर भी वीडियो में आपको कुछ और जानना है, KYC कैसे कंप्लीट करना है, कैसे रजिस्टर करना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, रेड कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर एंडिंग तक देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर भी मैं ऐड कर दूंगा, तो वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप। एमडी टॉकी चैनल आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो वाइज।